अंबर की जाई हूँ। पहचानो इनको, कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। मुकीम के भाई हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अंबर नाज की मंगनी की सनसनीखेज खबर मैं लेकर आई हूँ, जो उनके ताया ताई ने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि उनके बेटे के साथ हो चुकी है। अब कैसे, तो चले देखते हैं इस वीडियो में। आओ मूसा भाई, करो, क्या बात करनी है? हाँ बेटा, सलाम अलैकुम। इनको पहचानते हो? अंकल को पहचानते हो? और लड़का समझ के अचानक ही मोहसिन ने कॉल ले ली। किस में मिलना है बताओ? अंकल बैठो, उठ के। हाँ बैठा हूँ। ये तो बैठो। और मोहसिन हो गया शॉक। पहचान लेंगे। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहचानो इनको, कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। मुकीम के भाई हैं ये। जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ठीक ठाक। और देखे मोहसिन ने कितने तमीज से बात की। बस दुआ में याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल रखेंगे, आएंगे हम, लाहौर आएंगे। आप भी आओ हैदराबाद, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर। मैं तो उसकी अंबर की जाई हूँ। हमें तो बड़ा दुख हुआ इस बात का भाई, हमने हमें आए नहीं थे। कोई और बात नहीं आंटी, आंटी कोई और बेटा, मुझे बड़ा दुख हुआ था बहुत, क्या हो गई थी तो बस कोई और बात करें आंटी बस। मोहसिन इस बात पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता। सही बात, सही बोल रहा हूँ। वक्त अच्छा, नसीब में यही था, नसीब में यही था। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अच्छा फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया कह रहे हैं। ऐसी क्या वजह हुई कि शबाना ने इनसे भी ताल्लुक खत्म कर लिया? आपका तो खून का रिश्ता है, दुआ में याद रखें आप लोग। हाँ बच्ची तो बहुत अच्छी है, अंबर तो बहुत अच्छी है। आंटी छोरे बातें, कोई आपका खानदान है, कोई और बात ना खराब हो जाए। छोरे लोग यहाँ पे बात को कुछ और बना देते हैं। छोरे सही बात, सही बोल। मैं मुकीम साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, वो अच्छा इंसान है जितना मैंने उनको जाना, जितना मैंने जाना उन्हें। हाँ सही बात है, वो भी मजबूर है भाई, क्या कर छोड़े अंकल। वो भी मजबूर है, अल्लाह करम। मिल नहीं रहा अंकल, मिल नहीं रहा है मुकीम में बिल्कुल। अब मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं। ये हमारा नंबर है, जब दिल जाए कर लिया करो बात। अच्छा बेटा, मेरे बेटों जैसे हो। अच्छा इस दो में याद रखे आंटी बस। हाँ अल्लाह ताला आपकी तरफ से और अम्मी को भी मेरी तरफ से पूछना। सही मिल गया प्रूफ आखिर आपको, और अपना ख्याल रखो। अल्लाह ताला कामयाब करे आप, अल्लाह कामयाब करे आप। क्या वो गाने वाने का सॉन्ग खोला था क्या वो उसका? मैं मोहर्रम के बाद सुनाऊंगा आपको गाने। मोहर्रम मुझे बहुत अच्छी लगी आवाज, लेकिन बड़े बड़े गाने हैं आपके, बहुत दर्द भरे गाने। नहीं वो अब अल्लाह ने आवाज ऐसी दी है, उछल कूद वाले गाने गा लूँ ना तो मेरी अपनी हंसी निकल आती है। तो आवाज एक होती है, आप उसके ही गाने। नहीं नहीं बहुत अच्छे गाने गाए। मोहर्रम के बाद, मोहर्रम के बाद, मोहर्रम के बाद आऊंगा गाना मैं इंशाल्लाह। हैदराबाद आओगे? सुनाऊंगा गाना, गाना सुनाऊंगा। हाँ हाँ हैदराबाद आना तो हमारे घर आना, हमारा तो पता ही नहीं होगा। माशाल्लाह पांच भाई है ना ये मुकीम वाले, ये लो आंटी, एक भाई का तो इंतकाल हो गया। आंटी बात सुने, यहाँ पे आप ना करें पब्लिकली बात, पता क्या है, वो आपका अंकल का उनका खून का रिश्ता है। आप चाहे बात मुझसे किसी और सेंस में कह रही हैं, लोगों ने बात को बतंगर बना देना है और फिर गलत बातें करेंगे, फिर बोलेंगे
कि मोहसिन का रब्ता है इनके साथ, फिर आप लोगों के लिए मसले खानदान में बनेंगे तो बेहतर है। आप तो यूट्यूब पे आना कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो नहीं हमारी मर्जी है, वो कौन होता है आपसे तो हर कोई बात कर सकता है। अगर हमारा दिल तुमसे बात करने को कर रहा था किसी की क्या तकलीफ है भाई, सारी दुनिया कुछ भी कहे वो किसी का देखो हमें को घर में कोई, हम तो जायज बात कहते हैं भाई ना किसी रखते हैं भाई। आज अब उन्होंने जिंदगी से निकाल दिया, खत्म हो गई कहानी, अब क्या है। वो कहते हैं कि नाखूनों से मांस जुदा नहीं होते, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। नहीं वो अब होने लग गए, अनहोनी हो गई, अब होनी अब अनहोनी हो गई, होने लग गई, बनने के बाद तो हो जाते हैं ना, जुदाई तो होनी है। मुकीम तो बहुत अच्छा है, बस वो शबाना जो है ना वो मिलना नहीं चाहती बस किसी से ज्यादा, खानदान वालों को बस किसी से ज्यादा मिलती नहीं है वो, किसी से गैरों से मिलती है, खानदान में किसी से भी नहीं मिलती वो। और शबाना खानदान में किसी से भी ताल्लुक नहीं रखती। डरो नहीं यार, नहीं अंकल डरना क्या है, मैंने डरना मैं डर नहीं रहा, बस ये बात तो बोलेगा फिर सुनेगा भी हमारे से भाई, हमको बोली ना करे अंकल, हम जिससे चाहे बात करें भाई, पाबंदी थोड़ी है, वो बच्चा चल नहीं, वो इसलिए ना मुझे 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 मेरी जात को कोई फर्क नहीं, मैं बस जैसा मैं आई वाज शॉक्ड के अंकल के भाई हैं ये, मैंने नहीं पहचाना था, तो बस इतना कहूंगा कि आप लोगों के आपस ही मामला जो भी हैं, देखिए एक ऐसे ही है ना, फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिश्तेदार जो मुझसे बात ना करता हो, वो उनसे बात करे तो मुझे कैसा लगेगा, इसी तरह एक, एक दुनिया ने तो मुझे गलत समझा जबकि मैं एक इंसान हूँ जिसने हमेशा इंसाफ किया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अरे अगर आपको कुछ समझाए तो फोन किया है ना बेटा, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता था मदीने में, अभी आ गया वो यहाँ, स्टोर खोल लिया उसने, उससे भी मंगनी हुई थी अंबर की, वो हमारे जब से खत्म हुए कहानी वो शबाना ने खत्म कर दी भाई, ऐसी मंगनियां करती है ऐसी तोड़ती है इनका काम, यही हमारे बेटे से भी मांगनी हुई थी, हम तो रिश्तेदार हैं, हालांकि अंबर बहुत सही थी, अच्छी थी लड़की, उसको भी छोड़े कल आंटी छोड़े कल कोई और बात बन जाएगी, छोड़े चलो फिर सही बात में बात करेंगे, सही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप कर लेना जब दिल चाहे कर लेना बात, अच्छा हमारी औलाद बच्चे जैसे हो हमारे आप, कुकिंग विद शबाना ने जिठानी के बेटे के साथ मंगनी करके तोड़ दी। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज, ओके अंकल अल्लाह हाफिज। अब फैसला आप लोग करें कि कौन सही है और कौन गलत है, और मोहसिन की हालत देख के आपको सही अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि अंबर नाज ने हमेशा इस बात से डिनाई किया कि ऐसा कभी नहीं हुआ, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भी आप चेक करें, वो उन्होंने भी ज़िंदगी अजाब बना के रखी हुई थी। अब आप लोग प्लीज़ स्वीटी जी और मोहसिन जी का पीछा छोड़ दें, क्योंकि प्रूफ मिल गया है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो मूसा भाई समझ के कॉल की, और सडन मिला है, कोई प्री प्लान नहीं था, क्योंकि कॉल अचानक लगी। उदास नहीं हूँ, बीमार हूँ, बुखार हुआ। क्या मुस्कुराऊं बहना, क्या मुस्कुराऊं, मैं वैसी बस लाइव आ गया। क्या कह रहे हैं आप सब,